दूसरा एतराज ये कि खुमस की फकत एक आयत है, ये बार 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 आती है, और जबकि ज़कात से तो भरा हुआ है कुरान। इसका तो पिछली दफा भी मैं जवाब दे चुका हूं कि भाई हजरत ईसा और हजरत मूसा का बार बार जिक्र है, हजरत मूसा का तो 20 से ज्यादा मरतबा जिक्र है, और पैगंबर इस्लाम का फकत 3 मरतबा नाम आया। हजरत मरियम का बार बार जिक्र आया, हजरत जहरा का कुरान में नाम भी नहीं आया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उनसे अफजल हो जाएंगी? कितने अंबिया का जिक्र भी नहीं है कुरान में, लेकिन जैद इब्ने हारसा जो गैर मासूम थे उनका नाम कुरान में आया, तो क्या जैद इब्ने हारसा कुरान में नाम आ जाने की वजह से, उनका तस्कर आ जाने की वजह से वो ज्यादा अहमियत के हामिल हो गए ना अंबिया के मुकाबले में? अगर फजीलत के एतबार से ही कुरान में जिक्र होता, जिसका जिक्र ज्यादा है वो ज्यादा फजीलत का हामिल है, तो पैगंबर इस्लाम का नाम कुरान में भरा होना चाहिए, ऐसा नहीं? अच्छा, ज्यादा बुरी मिसाल ने शैतान का नाम बार बार आया है कुरान में, लेकिन बहुत से अंबिया का नाम नहीं आया माजल्ला, तो यानी मिसाल अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक समझाने के हवाले से। तो जहां भी कुरान में ज़कात का लफ्ज आया है वो बजले माल के मानों में ज्यादा आया है, यानी मुस्तहकीन तक ये मखसूस उस ज़कात जो कि माल पे निकाली जाती है एक परसेंटेज के एतबार से, जिसका बाकायदा के निसाब है, उसका जिक्र कुरान में सदक़े के उनवान से तो आया, ज़कात के उनवान से नहीं। ज़कात 32 मरतबा कुरान में तस्करा आया, उनमें 11 आयतें मक्की हैं और 22 मदनी आयतें कुरान में। अच्छा, हुक्म ज़कात सबको पता है कि मदीने में नाजिल हुआ, चले मदनी 22 आयतों में तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि मदीने की आयतें लिहाजा वो ज़कात माल की आयतें होंगी, लेकिन जो आयात ज़कात जिसमें तस्करा आया है वो 11 आयतें मक्की हैं, उनके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? वहां कौन सी ज़कात की बात हो रही है? वो तो मक्के से मदीने हिजरत से पहले मक्के में वो आयात नाजिल हो चुकी थी, जबकि ज़कात फर्ज भी नहीं हुई थी। अच्छा, अगर हम ये बात कहें तो यहां पर भी इससे मुराद ये कि वो बजले माल के लिए है, वो वाली ज़कात इससे मुराद नहीं। अच्छा, इसी तरीके से हजरत ईसा का तस्करा आया, हजरत ईसा का क्या आया है? वह औसानी बिस सलाते व ज़कते मा दुम तो हैया, के परवरदिगार ने जिंदगी भर मुझे नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया। अब बताइए, ज़कात तो मदीने हिजरत के बाद फर्ज हुई, तो हजरत ईसा कौन सी ज़कात देने का तस्करा फरमा रहे हैं? हजरत ईसा का दौर तो पैगंबर इस्लाम से भी 550 साल पहले का है, या उससे भी ज्यादा गालिबन। तो यहां पर कौन सी ज़कात की बात हो रही? तो यहां पर भी गरीबों पर माल को खर्च करने के हवाले से ज़कात की बात हुई। इसी तरीके से हजरत यहिया के मुतालिक आया, हजरत यहिया सूरह मरियम की आयत नंबर 13 जो है, हनानन मिल लदुन्ना व ज़कातन व काना तकिया, और अपनी तरफ से मेहरबानी और पाकिजगी भी उन्हें अता कर दी और वो खौफ खुदा रखने वाले थे। यहां ज़कात से मुराद हुक्म ज़कात नहीं है माल के ऊपर ज़कात, बल्कि पाकिजगी के मानों में हजरत यहिया के लिए आया। तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि भैया ज़कात जहां जहां कुरान के अंदर आया वहां वहां सर जगह ज़कात माल मुराद। इसी तरीके से हजरत इस्माइल का आया है तस्करा सूरह मरियम की जो आयत नंबर 55, आयत नंबर 55, वकाना यामुरु आलहु बिस्सलाते वज़्ज़काते, और वो अपने घर वालों को भी नमाज और जकात का की पाबंदी का हुक्म देते थे, और अपने रब के हुजूर मुकामे मर्जिया पे फाइज थे। तो यहां हजरत इस्माइल कौन सी जकात? अभी तो जकात फर्ज नहीं, वो तो हिजरत मदीना के बाद फर्ज होनी, यहां आपको कौन सी जकात है? तो यहां पर भी जकात से मुराद बजले माल है, गरीबों तक माल को पहुंचने के हवाले से। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं और बार बार एक बात कहते रहते हैं, ये जो चंद सफात हमने खुम्स के खिलाफ लिखे हैं इसका जवाब लेकर आइए। देखिए, जाहिलों की बात के जवाब नहीं दिए जाते, उलमा की तरफ से उनकी पॉलिसी है हमेशा से कि वो उन अफराद को जवाब नहीं देते, भाप लेते हैं कि जो कि मुखालिफत करो और शोहरत पाओ के लिहाज से किताबें लिखते हैं। एक बात बहुत अहम बात, यानी वो चाहते हैं कि हम ऐसा कोई नजरिया, जो भी टेढ़ा मेढ़ा नजरिया है वो हम कोई भी पेश कर दें और उसके बाद हमारी शोहरत हो। जब जवाब लिख के जान लेंगे, लोग कहेंगे देखिए फला साहब का, फला इतने बड़े आलिम ने जवाब दिया, अब इन साहब को और शोहरत मिलेगी, तो वो बिल्कुल नजरअंदाज करते। और ये वही तरीकाकार है जो परवरदिगार आलम ने शैतान के सिलसिले में कुरान में अख्तियार किया। परवरदिगार, मैं इस वजह से आदम को सजदा नहीं कर रहा क्योंकि मुझे आग से बनाया है, तो उन्हें आदम को मिट्टी से बनाया, आग मिट्टी से बरतर होती है, लिहाजा मैं इसको सजदा मसलन नहीं करूंगा। परवरदिगार चाहता तो दलाइल के अंबार लगा देता कुरान में कि मिट्टी किन कितने कितने मायनों में आग से बेहतर, लेकिन परवरदिगार ने क्या कहा, बस निकल जाओ मेरी बारगाह से, कोई दलाइल नहीं दी।
कोई उससे मुनाजरा नहीं किया। और यही वजह है कि हमें भी हुक्म है कि शैतान कभी वसवसे पैदा करे तो फकत कहो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ना कोई दलाइल देने की जरूरत है, ना वसवसों के से शैतान से मुनाजरे की जरूरत है, बस सिर्फ कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ के उसको भगाओ और कोई जवाब ना दो उसको।